कहना चाहूंगा कि उनके अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग तरस था और आज उस सरकार से छुटकारा मिला है और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोग की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। मकान की स्वीकृति होगा और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोग की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.